हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं प्लांट किंगडम चैप्टर के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 33 इयर्स के। इस चैप्टर के अंदर टोटल जो है वो 135 क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम एक पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे हम 1 से लेकर 77 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे 78 से लेकर 135 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यानी आज के इस पोर्शन में हम जिम्नोस्पर्म से आगे डिस्कस करेंगे, टेरिडोफाइटा तक के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक अदर चैप्टर नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर हम ऑलमोस्ट सभी चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए प्योर एनसीईआरटी बेस्ड फॉर नीट एग्जाम, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा जिम्नोस्पर्म और क्वेश्चन है नीट 2018 का क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। फर्स्ट दिया गया ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन द जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी है। सिलेजिनला इज हेट्रोस्पोरस वाइल सेल्विनिया इज होमोस्पोरस, सी है होर्स्टेल्स आर जिम्नोस्पर्म, एंड ऑप्शन डी है स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस। सिंपल समझिए, सबसे पहले हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी। हम ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस, जी नहीं, स्टेम जो होती है वो पाइनस और सेड्रस के अंदर ब्रांच होती है, बट साइकस के अंदर अनब्रांच होती है। तो यहां पर इन्होंने लिखा कि बोथ में अनब्रांच होती है, तो ये गलत हो गया। होर्स्टेल्स आर जिम्नोस्पर्म, जी नहीं, होर्स्टेल्स जो वो टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं आते। सिलेजिनर इज हेट्रोस्पोरस वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस, जी नहीं, साल्विनिया और सिलेजिनेरा दोनों के दोनों आपके हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन द जिम्नोस्पर्म, ये बिल्कुल करेक्ट है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया सेलेक्ट द मिसमैच, यानी जो अलग दिया गया है यहाँ पे, बाकी तो बिल्कुल सेम है, बट एक अलग दिया गया वो कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया साइकस जो वो डायोशियस लिखा गया है, बी में बोला गया कि साल्विनिया जो वो आपका हेट्रोस्पोरस है, सी में इक्विसिटम बोला गया कि होमोस्पोरस है, और डी पाइनस में लिए बोला गया कि डायोशियस है। अब जो आपका पाइनस होता है वो मोनोशियस होता है, साइकस जो होता है वो डायोशियस होता है। सेल्विनिया और सिलेजिना अभी बताए थे हेट्रोस्पोरस होता है, इक्विसिटम आपका होमोस्पोरस होता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पाइनस जो वो डायोशियस है, अभी बताया कि पाइनस जो मोनोशियस होता है, अलग लिखा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, एक मिसमैच है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 80 है। यहां पे पूछा गया कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ, यानी जो कॉनिफर्स होते हैं वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन को भी अडॉप्ट कर जाते हैं, ऐसा किस वजह से। ब्रॉड हार्डी लीव से, सुपरफिशियल स्टोमेटा से, थिक क्यूटिकल, या फिर प्रेजेंस ऑफ वेसल से। तो ये जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा की वजह से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, थिक क्यूटिकल। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 81 है। यहाँ पे पूछा गया सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने की, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहले गए सिक्वोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, बी में बोला था द लीव्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट्स, सी में बोला गया है जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, एंड डी में बोला गया सेल्विनिया गिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर, जो सिक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, यही बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड है द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्ट, अभी तो बोला था कि यहाँ पे वेल अडेप्ट होती है बिकॉज ऑफ द थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा, ये हो गया हमारे इनकरेक्ट। सी में लिखा है जिम्नोस्पर्म आर बोथ, जी नहीं, जिम्नोस्पर्म आपके केवल हेट्रोस्पोरस होते हैं। सेल्विनिया गिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, अभी बताया सेल्विनिया आपका टेरिडोफाइट्स के अंदर आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो वो 82 में हमसे पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, यानी ऐसा कौन सा है जिसके अंदर जो गेमेटोफाइट है वो आपका इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं है, टेरिस के अंदर, पाइनस के अंदर, फ्यूनेरिया के अंदर, या फिर मार्केशिया के अंदर। तो सिंपल है, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो गेमेटोफाइट होता है वो डिपेंड होता है स्पोरोफाइट पे, तो पाइनस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है। रीडिंग रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू ई एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, यानी हमें यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दी गई है ए टू ई और हमें बताना कि कौन सी इनमें से करेक्ट है। फर्स्ट, मोसेस एंड लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज ए बेयर रॉक, ये आपको इकोसिस्टम वाले के अंदर मिल जाएगा, सक्सेशन वाले के अंदर लिखा हुआ है, इकोलॉजी क्लास 12 में। सिलेजिनेला इज ए होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, कोरेलोइड रूट्स इन साइकस है वेम, लिखा है मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गेमेटोफाइटिक, वेर इज इन टेरिडोफाइट इट इज स्पोरोफाइटिक, एंड ई में लिखा गया इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन द स्पोरोगिनी लोकेटेड ऑन द स्पोरोफाइट। तो हमें यहां पर यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं
मोसिस एंड लाइकन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी गई है। सिलेजिना इज ए होमोस्पोरस, अभी बताया था जी नहीं, वो हेट्रोस्पोरस होता है, तो बी तो जो है वो आपके इनकरेक्ट हो गई। कोरेलॉइड रूट्स इन साइकस, जी नहीं, आपका साइकस के अंदर वेम नहीं होता। अब आप पूछोगे वेम क्या होता है, वेम होता है वेसिकुलर एर्बुस्कुलर माइकोराइजा, ओके, यहाँ पर वेम नहीं होता है साइकस की रूट्स के अंदर, ओके, तो यहाँ पर ये जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गेमेटोफाइटिक, वेयर इज इन पेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइटिक, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इन जिम्नस पर मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइटिक आर प्रेजेंट विद इन द स्पोरोगोनिया लोकेटेड इन द स्पोरोवे, ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, यानी बी और सी जो वो इनकरेक्ट है, तो बी और सी जो है वो सारे इनकरेक्ट है, तो ए डी ई जो है वो हमारी करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ए डी एंड ई आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। हैप्लोइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म, ब्राउन एल्गी क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन, आर्चिगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, एंड डी लिखा है म्यूकर हैव बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर। एंडोस्पर्म के अंदर हैप्लोइड, सॉरी जिम्नोस्पर्म के अंदर हैप्लोइड एंडोस्पर्म होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ब्राउन एल्गी के अंदर ए एंड सी फ्यूकोजेंथिन होती है, बिल्कुल करेक्ट है। आर्चिगोनिया फाउंड इन द ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, सब में आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है, ये भी करेक्ट है। म्यूकर हैव बाइफ्लैजेलेटेड, ये जो है वो हमारे इनकरेक्ट है, यहाँ पे बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो देम। अब यहाँ पे भी हमसे ये पूछा गया, यहाँ पे हमें फाइव स्टेटमेंट दी गई है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी, यहाँ पर हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो यहाँ पे हमें बताने की 1, 2, 3, 4 कितनी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। इन लीवर वर्ड्स मोसिस एंड फर्म्स गेमिटोफाइटिक आर फ्री लिविंग, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वोल्वोक्स एंड एल्ब्यूगो इज ओगेमस, डी में लिखा है स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ड इज मोर इलेबरेट देन इन द मोसिस, एंड नी लिखा है बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया आर डायोइशियस। ओके, तो हमें यह बताना कि कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो सकती है। सबसे पहले इन लीवर वर्ड्स मोसिस एंड फंड गेमिटोफाइटिक आर फ्री लिविंग, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर गेमिटोफाइटिक फ्री लिविंग होता है। जिम्नोस्पर्म एंड सम फंड्स आर हेट्रोस्पोरस, जी हाँ, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो लगभग आपके हेट्रोस्पोरस होते हैं, और कुछ टेरिडोफाइट जैसे कि सेलेजिनेला और सेल्मिनिया भी हेट्रोस्पोरस होती है, अभी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वोल्वोक्स एंड एल्ब्यूगो इज ओगेमस, ये भी बिल्कुल सही है, फ्यूकस वोल्वोक्स और एल्ब्यूगो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस होती है। द स्पोरोफाइट इन लीवर वर्ड इज मोर, जी नहीं, ये उल्टा लिखा गया, द स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलेबोरेट देन इन द लीवर वर्ड, ये लिखाना था, ये इनकरेक्ट है। बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया आर डायोइशियस, अभी बताया था पाइनस आपका मोनोशियस होता है, डायोइशियस बिल्कुल नहीं होता, ये भी इनकरेक्ट है। तो ए बी और सी हमारी टोटल थ्री स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, तो हमसे पूछा गया कि 3, 4, 1, 2 कितनी करेक्ट है, तो 3 करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं, वट इज कॉमन इन ऑल थ्री, फ्यूनेरिया ड्रैप्टेरिस एंड गिंको, यानी आपको बताना कि फ्यूनेरिया ड्रैप्टेरिस एंड गिंको में क्या बिल्कुल सेम है। इनडायरेक्टली आपको यह बताना है कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म में क्या सेम है। ड्रैप्टेरिस जो है वो आपका किसके अंदर आता है, टेरिडोफाइटा के अंदर, फ्यूनेरिया आपका किसके अंदर आता है, ब्रायोफाइटा और गिंको किसके अंदर आता है, जिम्नोस्पर्म, तो इनमें सब में क्या चीज सेम है। प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, तो इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट तो सब में नहीं मिलती है, किसी में आपको इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट मिलेगा, किसी में स्पोरो। वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू आपका ब्रायोफाइटा में नहीं मिलता है, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया ये मिल सकता है तीनों के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 87 है, हमसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, वापस हमसे पूछा गया कि कौन सी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। टेरिडोफाइटा गेमेटोफाइट इज ए प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज, बी बोला गया इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, सी में बोला गया एंथ्रीडियो 4 एंड आर्चिगोनिया 4 आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स, एंड डी बोला गया ओरिजिन ऑफ सी डेबिट कैन बी ट्रेस्ड इन द टेरिडोफाइट, तो हमें करेक्ट बताना है। सबसे पहले बात करते हैं टेरिडोफाइट गेमेटोफाइट इज ए प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज, ये मोसिस के अंदर होता है, प्रोटोनिमा के टेरिडोफाइट्स के अंदर नहीं होता। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, गेमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्री लिविंग होते नहीं है, वो डिपेंड होते हैं। एंथ्रीडियो 4 एंड आर्चिगोनिया आर प्रेजेंट इन, ये नहीं, वो आपके लीवर वर्ड्स के अंदर होते हैं, तो यहाँ पर मार्केंशिया के अंदर, ये भी इनकरेक्ट है। ओरिजिन ऑफ सी डेबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, प्रीकर्सर ऑफ सी डेबिट है, अनसर्टेनली भी रखा, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, यहाँ पे पूछा गया साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैंगिंग, अब एडियंटम जो है वो आपका टेरिडोफाइट है और साइकस जो है वो आपका जिम्नोस्पर्म है, तो इनके अंदर क्या चीज रिजेंबल कर सकती है, सीड, मोटाइल स्पर्म, कैम्बियम या फिर आपका वेसल, तो यहां पर जो चीज रिजेंबल कर सकती है वो है मोटाइल स्पर्म दोनों के अंदर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 89 है, यहां पर फॉलोइंग फाइव स्टेटमेंट ए टू ई एंड आंसर आस्क देम टू नेक्स्ट।
तो यहाँ पर हमें ये फाइव स्टेटमेंट दी गई है, फिर आगे लिखा गया हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी इन फाइव में से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है, 2, 3, 4 या फिर 1। तो देखते हैं सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट को। इन इक्विसीटम द फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट। बी में लिखा गया इन गिंको द मेल गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। सी में लिखा गया द स्पोरोफाइट इन रिक्सिया इज मोर डेवलप्ड देन इन द पॉलीट्राइकम। डी लिखा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वोल्वॉक्स इज आइसोगैमस। ई लिखा गया द स्पोर्स ऑफ स्लाइमोड्स लैक द सेल वॉल। सबसे पहले बात करते हैं इक्विसीटम द फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम, जो हो सकता है वो आपका हेटरोस्पोरस वालों में हो सकता है, बट होमोस्पोरस वालों में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये जो वो इनकरेक्ट है, गलत लिखा गया है। इन गिंको द मेल गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, जी नहीं, वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। द स्पोरोफाइट इन रिक्सिया इज मोर डेवलप्ड देन द पॉलीट्राइकम, जी नहीं, ये उल्टा लिखा गया। रिक्सिया जो होता है वो लिवरवर्ट्स के अंदर आता है, पॉलीट्राइकम आपका मोसिस के अंदर आता है। द स्पोरोफाइट इन पॉलीट्राइकम इज मोर डेवलप्ड देन द रिक्सिया होता, तब तो ये करेक्ट होती, बट ये आपका इनकरेक्ट हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वोल्वॉक्स अभी बताते थे ऊगेमस होता है, आइसोगेमस नहीं होता। द स्पोर ऑफ द स्लाइमोड्स लेक सेल वॉल, जी नहीं, वो तो हार्शली एडवर्स कंडीशन में हो सकता है और सबसे मोस्ट डेवलप्ड वहां पे वॉल्स प्रेजेंट होती है, ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट हमारे पास केवल एक ही स्टेटमेंट है, वो बी। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा, कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल 1 है, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 90 है, यहां पे बोला गया एग्जामिन द फिगर ए बी सी डी इन विच ऑफ, यहां पे हमें ये बताना कि एनसीईआरटी की सभी जो इमेजेस दी गई है हमें बताना कि यहां पे कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमसे ये ए बी सी डी पूछा गया। सबसे पहले ए की बात करें तो ए जो है वो आपका क्या आएगा, सिलेजिनिला होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। बट आगे चलते हैं, बी जो वो इक्विसीटम है ये बिल्कुल सही है, सी जो वो आपका सेल्विनिया है, और डी जो वो आपका गिंको है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैस्कुलर क्रिप्टो गेम, वैस्कुलर क्रिप्टो गेम। अब ये क्रिप्टो गेम क्या होता है, जहां पे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गिंको, मार्केंसिया, सेड्रस और इक्विसिटम। सबसे पहले बात करते हैं मार्केंसिया ब्रायफाइट में आते हैं, वहां पे तो वैस्कुलर होंगे भी नहीं, गिंको में हो सकता है, सेड्रस में हो सकता है, बट गिंको और सेड्रस आपके जिम्नोस्पर्म में आता है, तो वहां पर आपके सीड होते हैं, स्पर्म नहीं होते। तो इक्विसिटम जो है वो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 में हमसे पूछा गया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव ए फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, किसके अंदर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं, पॉलीट्राइकम, सेड्रस, टेरिस या फिर फ्यूनेरिया के अंदर। तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा जिम्नोस्पर्म यानी सेड्रस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 93 है इन जिम्नोस्पर्म द पोलन चैंबर रिप्रेजेंट, तो पोलन चैंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ए कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड आफ्टर पोलिनेशन, बी एन ओपनिंग इन द मेगा गेमेटोफाइट थ्रू विच द पोलन ट्यूब अप्रोच द एग। यहाँ पे पोलन चैम्बर पूछा गया, तो ओव्यूल के अंदर कह रहे हैं कि पोलिनेशन के बाद जहाँ पे पोलन स्टोर किया जाता है ऐसा कोई भी नहीं होता है। इन ओपनिंग इन द मेगा गेमेटोफाइट, मेगा गेमेटोफाइट यानी जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उन वहाँ पे पोलन चैम्बर आपका प्रेजेंट भी नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन सी देख लेते हैं, द माइक्रोस्पोरिज्म इन विच द पोलन ग्रेन आर डेवलप्ड या फिर एसएल इन द पोलन ग्रेन इन विच द स्पर्म आर फॉर्म्ड। तो हमसे पोलन चैम्बर पूछा गया, तो माइक्रोस्पोरेंजिया जहाँ पे पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं, तो यह होता है आपका पोलन चैम्बर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 94 है, द फ्लेजिलेटेड मेल गेमेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, यानी फ्लेजिलेटेड मेल गेमेट्स कहीं ना कहीं उनकी स्टेज में आता है, तो वो कौन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है जाइगेनिमा, सेकेंड है सेप्रोलिजिनिया एंड हाइड्रिला, बी में लिखा गया फ्यूकस मार्सेलिया एंड कैलोट्रोपिस, सी में लिखा गया रिक्सिया ड्राइप्टेरिस एंड साइकस, एंड डी में लिखा गया एंथोसेरस फ्यूनेरिया एंड स्पायरोगायरा। तो जहां पे फ्लेजिलेटेड कहीं ना कहीं आते हैं वो है आपके रिक्सिया ड्राइप्टेरिस एंड साइकस, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट्स आर नॉट सीड प्रोड्यूसर, कौन से ऐसे प्लांट है जो कि सीड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ए है फर्न एंड फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया एंड फाइकस, फाइकस एंड क्लेमाइडोमोनास, फ्यूनेरिया एंड पाइनस। पाइनस और फाइकस के अंदर आपके सीड होते हैं, तो फर्न और फ्यूनेरिया के अंदर नहीं होते, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल, कौन सा एक लिविंग फॉसिल। अब लिविंग फॉसिल क्या होते हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वहां की जो जितने भी पुराने जो उनके एंसेस्टर थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट उनके कुछ ट्रेट यानी कुछ करेक्टर अभी भी जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। तो पूछा है कि कौन सा एक लिविंग फॉसिल हो सकता है, साइकस, मोस, सैक्रोमाइसिस, स्पायरोगायरम। तो याद रखना जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है वो आपके साइकस और गिंको जो है उन्हें हम लिविंग फॉसिल बोल सकते हैं, तो साइकस आपका लिविंग फॉसिल के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड अंडर लिविंग फॉसिल, वापस वही पूछा गया पाइनस, साइकस, लेजिनेला, मिक्विसिटर, तो साइकस आपका लिविंग फॉसिल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया साइकस है टू कोटिलेडन बट नॉट इंक्लूडेड इन द एंजियोस्पर्म बिकॉज ऑफ, साइकस के अंदर दो कोटिलेडन होते हैं बट फिर भी वो एंजियोस्पर्म में नहीं आता, क्यों, नेक्ट ओव्यूल सीम्स लाइक मोनोकोड, सर्सिनेट
ट्राइसेक्सिस या फिर कंपाउंड लीज, तो उसके पास नेक्ट ओव्यूल होता है, इसलिए वो आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट्स हैविंग वैस्कुलर टिश्यू बट लैकिंग सीड, यानी वैस्कुलर टिश्यू बट उनके पास सीड नहीं है, तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एल्गी या फिर ब्रायोफाइट। तो वैस्कुलर टिश्यू हो सकते हैं बट सीड बिल्कुल भी नहीं होती, वो होते हैं आपके टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, हमसे पूछा कि द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म का वो कैसा होता है, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड। तो याद रखना वो होता है हमेशा हैप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइकस इज इनकरेक्ट, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो साइकस के लिए इनकरेक्ट है। इट हैज सचिनेट वर्नेशन, इट्स जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल्स, इट्स रूट्स कंटेंट सब ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर इट डज नॉट हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड फीमेल फ्लावर। अब फ्लावर तो आपको एंजियोस्पर्म में मिलते हैं, ये तो आपका जिम्नोस्पर्म में आते हैं, यहां पे बिल्कुल नहीं होगा। इट रूट कंटेन ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी बिल्कुल सही है कि यहां पे देखिए इट डज नॉट हैव, यहां पे बोल दिया कि यहां पे फीमेल फ्लावर नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इट रूट्स कंटेन सम ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ जी यहाँ पे आपका पता ही है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। इट्स जाइलम इज मेनली कंपोज ऑफ जाइलम वेसल, तो आपको एनाटोमी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिम्नोस्पर्म लैक वेसल, वहाँ पे वेसल्स नहीं होती है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि इसके अंदर जो है वो वेसल्स होते हैं, तो ये आपकी इनकरेक्ट हो गई और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इट हैज सर्सिनेट वर्नेशन का मतलब होता है जहाँ पे इनिशियल स्टेज के अंदर जो लीव्स होती है वो आपकी कॉइल्ड होती है। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किस में मिलेगा, पाइनस में, ड्राइप्टेरिस में, साइकस में या फिर बोथ ए एंड सी के अंदर। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर ये जो आपका ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या होता है, ये स्पेशलाइज टिश्यू होता है मिडरिप के अराउंड, तो ये आपका पाइनस और साइकस दोनों में मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 103 है, मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोड्स एंड लीफी गेमेटोफाइट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ब्रांच राइजोड एंड लीफी गेमेटोफाइट किस में मिलेगा, सम ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, ओवर ब्रायोफाइट में या फिर जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो ब्रांच राइजोड्स और लीफी गेमेटोफाइट जो है वो कुछ एक आपको ब्रायोफाइट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए सम ब्रायोफाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है, द स्मॉलेस्ट प्लांट फैमिली जिम्नोस्पर्म हैज नाउ मेनी स्पीसीज, तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पर जो आपकी हाउ मेनी स्पीसीज, जिम्नोस्पर्म के पास जो है वो कितनी स्पीसीज हो सकती है। आप एज इट इज इसको याद रख लेना, काफी पुराना डाटा है, 1996 का है, 6040300 या फिर 1000 या फिर 900, तो 900 यहाँ पे दिया गया है, तो आप यह याद रख सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर जो 105 है, ए जिम्नोस्पर्मिक लीफ कैरी 16 क्रोमोजोम, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन इट्स एंडोस्पर्म, लीफ के अंदर 16 है, प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है, डिप्लोइड होती है, बट हमसे पूछा गया एंडोस्पर्म जो कि हैप्लोइड होता है, तो 2n जो है वो आपके 16 है, तो n कितने होंगे, 12 होंगे, 8 होंगे, 16 होंगे, 24 होंगे, तो 8 होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 106 है, यहाँ पे पूछा गया इन पाइनस द विंग्स ऑफ द सीड डेवलप फ्रॉम, यानी जो पाइनस के अंदर विंग्स होते हैं ओके वो कहाँ से डेवलप होते हैं उसके सीड के, ओविलिफेरस स्केल से, इंटेग्यूमेंट से, न्यूसिलस से, ब्रेड से। तो जो आपका अगर पूछा जाता पोलन में, तो पोलन में तो इंटेग्यूमेंट होता है, बट यहाँ पे हमसे पूछा गया सीड में, तो वो ओविलिफेरस स्केल से डेवलप होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है, विच वन ऑफ इज द मोस्ट एडवांस्ड फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सबसे एडवांस कौन सा होगा, सिलेजिना होगा, फिनेरिया होगा, क्लेमेडोमेनस होगा या फिर पाइनस होगा। तो सबसे मोस्ट एडवांस तो यहाँ पे आपका जो है वो जिम्नोस्पर्म में दिखाई दे रहा है, यानी पाइनस, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 108 है, रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर ऑप्टेंड फ्रॉम, रेजिन एंड टर्पेंटाइन किससे ऑप्टेंड हो सकते हैं, साइकस से, पाइनस से, सेड्रस से या फिर एबीएस से, तो यह याद रखना यह हो सकते हैं आपके पाइनस से ऑप्टेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है, इन पाइनस द पोलन ग्रेन है 6 क्रोमोजोम देन इट्स एंडोस्पर्म, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन हैप्लोइड होता है और एंडोस्पर्म भी हैप्लोइड होता है, तो पूछा गया कितने क्रोमो हो सकते हैं, 12, 18, 6 या 24, तो 6 ही होंगे क्योंकि वो भी हैप्लोइड होता है, वो भी हैप्लोइड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है, ए प्लांट हैविंग सीड बट लैकिंग फ्लावर एंड फ्रूट, यानी इसके पास सीड है बट फ्लावर और फ्रूट नहीं है, वो कौन से हो सकते हैं, टेरिडोफाइट, मोसिस, फन, जिम्नोस्पर्म, तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 111 है, ए प्लांट इन विच द स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट, जहाँ पे स्पोरोफाइटिक जनरेशन केवल जाइगोट के अंदर आ सकती है, पाइनस, लेजिनला, क्लेमाइडोमोनास या फिर ड्राइप्टेरिस, तो एल्गी के अंदर आ सकती है, यानी क्लेमाइडोमोनास के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है, इन पाइनस जिम्नोस्पर्म द हैप्लोइड स्ट्रक्चर इज, पाइनस जिम्नोस्पर्म के अंदर हैप्लोइड स्ट्रक्चर कौन से हो सकते हैं, मेगास्पोर, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तो डिप्लॉइड हो गया, मेगास्पोर, पोलन ग्रेन, एंडोस्पर्म, मेगास्पोर, इंटेग्यूमेंट एंड रूट, रूट हैप्लोइड होगी, डिप्लॉइड होगी सॉरी, पोलन ग्रेन, लीफ एंड रूट दोनों डिप्लॉइड होगी, तो मेगास्पोर, पोलन ग्रेन और एंडोस्पर्म आपके हैप्लोइड होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 113 है, इन पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, हैप्लोइड, डिप्लॉइड, ट्रैप्लॉइड, तो हैप्लोइड होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म, अब यहाँ पे क्वेश्चन है 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, यहाँ पे बोला गया कि रॉन्गली मैच कौन सा हो सकता है।
गिंको आर्चिगोनिया सेल्विनिया प्रोथेलस वायरोइड आरएनए मस्टर्ड सिनर्गिड। अब मस्टर्ड जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पे सिनर्गिड होगा। वायरोइड के अंदर आपको पता है कि जो है विदाउट प्रोटीन कोड आरएनए होता है। सेल्विनिया प्रोथेलस, अब सेल्विनिया के अंदर जो होता है वो हेट्रोस्पोरस होता है, बट प्रोथेलस जो होता है उसके वो मैक्सिमम होमोस्पोरस वालों के पास मिलता है। तो ये जो है वो आपका इनकरेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बाकी सभी करेक्ट है, ये मिसमैच है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 115। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रोप, इनमें से कौन से ऑटोट्रोप है? लैक्टोबैसिलस बेसिलस नोस्टोकारा नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर स्ट्रेप्टोमाइसिस सैक्रोमाइसिस ट्रिपेनोसोमा पोरफायरा या फिर वोल्फिया। तो इनमें से कौन से ऑटोट्रोप है? ऑटोट्रोप दोनों हो सकते हैं आपके, कीमो ऑटोट्रोप भी, इन्होंने कोई भी मेंशन नहीं किया, हम दोनों जो है उनको काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे आपका नोस्टोक। ओके, नोस्टोक जो होता है वो क्या होता है आपका फोटो ऑटोट्रोप होता है। कारा भी आपका क्या होता है? फोटो ऑटोट्रोप होता है। नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर्स जो है वो आपको नाइट्रोजन साइकिल के अंदर लिखे हैं कि ये आपके कीमो ऑटोट्रोप होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस और सैक्रोमाइसिस ये बिल्कुल भी आपके ऑटोट्रोप नहीं होते, ना ही ट्रिप्नोसोमा होता है। पोरफायरा और वेल्फिया जो होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं? ये भी आपके ऑटोट्रोप होते हैं। तो आपका नोस्टोक कारा नाइट्रोमोनास नाइट्रोबैक्टर फोर पोरफायरा और वोल्फिया जो है आपके टोटल सिक्स हो गए, तो यहाँ पे सिक्स जो है वो ऑटोट्रोप है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 116 है। यहाँ पे पूछा गया मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग, यानी जहाँ पर गेमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है और बिल्कुल फ्री लिविंग, वो किसमें हो सकते हैं? मस्टर्ड में, कैस्टर में, पाइनस में, स्पेगनम में। तो गेमेटोफाइट फ्री लिविंग कहां पे हो सकते हैं? आपको सिंपल पता होना चाहिए, वो आपके स्पेगनम में मिल सकते हैं, ब्रायोफाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है। सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विश ग्नेटम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस एंड शोविंग एफिनिटीज विद एंजियोस्पर्म, यानी जो ग्नेटम है ये एक एग्जांपल है आपका किसका? जिम्नोस्पर्म का। तो यहां पे पूछा गया है कि ग्नेटम जो है वो आपका साइकस और पाइनस से तो अलग स्ट्रक्चर बनाता है, बट यहां पर एंजियोस्पर्म के साथ में से कुछ फीचर मिलते हैं, तो वो कौन सा ऐसा फीचर है जो एंजियोस्पर्म के साथ तो मिलता है बट साइकस और पाइनस के साथ नहीं मिलता है? वैसे ये एक्चुअल में जिम्नोस्पर्म का पार्ट होता है। तो पेरियंथ एंड टू एग्यूमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट एपिकल मेरिस्टेमेसी एब्सेंस ऑफ रेजिन डक्ट एंड लीफ फिनिशिंग या फिर प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट एंड एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया। अब ग्नेटम जो होता है उसके पास वेसल होती है। अभी हमने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म के अंदर पास जो है वो वेसल्स नहीं होती है, लैक द वेसल, एनसीईआरटी ये बोलती भी। अब देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है 2008 का, बट यहाँ पे जो ग्नेटम है उसके पास वेसल्स होती है इसीलिए बाकी सभी से अलग होता है और एब्सेंस आर्चिगोनिया भी एब्सेंस होती है, ये फीचर इसमें नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 118 है। कोनीफेरस डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन द, यानी कोनीफेरस जो वो ग्रासेस से डिफर होते हैं किस वजह से? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल लैक ऑफ द जाइलम ट्रैकेट या फिर एब्सेंस ऑफ पोलन ट्यूब। तो यहां पर जो है वो एंडोस्पर्म हैप्लोइड होता है जो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है कोनीफेरस जिम्नोस्पर्म के अंदर, इसलिए वो अलग होता है ग्रासेस से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 119 है। एक्टोफोलिक सिफोनोस्टील इज फाउंड इन, यहाँ पे बोला गया एक्टोफोलिक स्पिनोसीड जो है वो मिलनी चाहिए। अब स्पिनोस्टील क्या होती है? वो मेडुलेटेड प्रोटोस्टील होती है, यानी प्रोटोस्टील सेंटर के अंदर होती है जहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया कि ये किसके अंदर मिल सकती है? ओस्मुंडा इक्विसिटम में, मार्सिला बोट्रिकम में, या फिर एडियंटम, या फिर कुकुरबिटेसी में, या फिर डिक्सोनिया, या फिर मेडन हेयर फर में। सिंपल है, 2005 का बहुत पुराना क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, आप डायरेक्ट याद रखना चाहते हो रख सकते हो। ओस्मुंडा और इक्विसिटम के अंदर एक्टोफोलिक मिसमिल फाउंड मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 120 है, यहाँ पे हमसे मैच द कॉलम पूछा गया है। ओके, यहाँ पे हमें बोला गया है पेरीट्राइकस फ्लैजिलेशन हो सकते हैं, लिविंग फॉसिल, राइजोफोर, स्मॉलेस्ट फ्लोरिंग प्लांट और लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गी कौन सी हो सकती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीट्राइकस फ्लैजिलेशन। पेरीट्राइकस फ्लैजिलेशन हमें देखने को मिल सकती है ई कोलाई के अंदर। लिविंग फॉसिल अभी आपको बताया था दो हो सकते हैं, साइकस और आपका गिंको, तो यहाँ पे गिंको जो वो लिविंग फॉसिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइजोफोर की। तो राइजोफोर जो है वो हमें कहाँ पे मिलेगा? ये हमें मिलेगा सिलेजिनिला के अंदर। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो वो आपका हो सकता है वोल्फिया, और लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गी की बात करें तो वो हो सकता है आपका मैक्रोसिस्टिस। अब ऐसा देख लेते हैं, ए जो है वो हमारा जा रहा है एल के साथ में, तो ए जो है वो एल के साथ में केवल ए के ऑप्शन में जा रहा है, बी हमारा जो जा रहा है वो जे के साथ में, सी हमारा एम के साथ में, डी हमारा एन के साथ में, और ई हमारा के साथ में, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 121 है। टॉप शेप्ड मल्टीसीलिएट मेल गेमिट एंड द मैच्योर सीड विच बियर ओनली वन एम्ब्रियो एंड टू कोटिलेडन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी टॉप शेप्ड मल्टीसीलिएटेड मेल गेमिट्स है, मैच्योर सीड विद बियर ओनली वन एम्ब्रियो, केवल एक ही एम्ब्रियो है और दो कोटिलेडन है, ये कैरेक्टरिस्टिक किसमें मिलेगा? साइकड में, कोनीफेरस में, पॉलीपेटलस एंजियोस्पर्म में, या फिर गेमोपेटलस एंजियोस्पर्म के अंदर? तो ये हमें मिलेगा साइकड्स के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन
ए। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 122 है, एंजियोस्पर्म है डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरी बिकॉज ऑफ देयर, एंजियोस्पर्म जो है वो ज्यादा डोमिनेट हो चुके हैं लैंड के ऊपर, ऐसा क्यों है? पावर ऑफ एडेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड, नेचर ऑफ द सेल्फ पोलिनेशन या फिर डोमेस्टिकेशन बाय मैन। तो जितना ज्यादा जो अडेप्ट करेगा वो उतना ही ज्यादा डोमिनेट होता जाएगा, तो पावर ऑफ एडेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 123 है, विच वन पेयर ऑफ एग्जाम्पल विल करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुपिंग स्पर्मेटोफाइटा अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्कीम ऑफ क्लासिफाइंग प्लांट, यानी ऐसे कौन से ग्रुप है जहाँ पे स्पर्मेटोफाइटा आता है, स्पर्मेटोफाइटा जो यानी जहाँ पे सीड्स होते हैं। अब सीड आपके दोनों में होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर। ऑप्शन दिया गया अकेशिया सुगरकेन, पाइनस साइकस, राइजोपस स्ट्रैटिकम या फिर गिंको और आपका पाइसम में। तो देखिए अकेशिया और सुगरकेन जो है वो आपके आ जाते हैं किसके अंदर, अकेशिया और सुगर केन आप आ जाते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर, पाइनस और साइकस दोनों के दोनों जिम्नोस्पर्म में, राइजोपस जो आपका फंजाई के अंदर आ जाता है, बट गिंको एंड पाइनस। अब गिंको जो है गिंको आपका आ जाता है जिम्नोस्पर्म में और पाइसम से टाइवम को आता है एंजियोस्पर्म में, तो यहाँ पे दोनों के आ गए हैं गिंको और आपका पाइसम, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेते हैं 124 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन द एंजियोस्पर्म, विदाउट एक्सेप्शन एंजियोस्पर्म में क्या चीज मिलती है, प्रेजेंस ऑफ फेसल, डबल फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी ग्रोथ या फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो फीचर है वो आपका एंजियोस्पर्म का है। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्लावर, जहां पे सीड है बट फ्लावर नहीं है, मेज में, मिंट में, पीपल में, पाइनस में, तो जिम्नोस्पर्म, तो पाइनस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है, प्लांट ग्रुप विद लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट ट्री एंड लार्जेस्ट गैमेट इज, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यानी जहां पे लार्जेस्ट ही ओव्यूल होना चाहिए, लार्जेस्ट ही ट्री होना चाहिए और लार्जेस्ट ही गैमेट होना चाहिए। तो लार्जेस्ट ट्री जो है सिकोइया, सिकोइया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री जो है वो आपको मिलता है किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर। अब लार्जेस्ट ओव्यूल आपको मिलता है साइकस के अंदर 300 माइक्रोमीटर का, जो कि आपको नेक डाई से भी दिखाई दे सकता है, और लार्जेस्ट गेमीट जो है वो भी आपको साइकस के अंदर। तो लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट गेमीट और लार्जेस्ट ट्री सबको जिम्नोस्पर्म के अंदर होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 127 है, लार्जेस्ट स्पर्म इन प्लांट वर्ल्ड इन फाउंड इन, किसमें मिलेगा, बनियान में, साइकस में, टूजा में या फिर पाइनस में। तो अभी बताया साइकस में ही लार्जेस्ट आपका मेल गैमेट और लार्जेस्ट फीमेल गैमेट होता है, तो आप आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 128 है, ए वेल डेवलप्ड आर्चिगोनिया विद नेक कंसिस्टिंग ऑफ 4 to 6 रोज एंड नेक कैनाल सेल्स करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे पूछा गया कि जहाँ पे आर्चिगोनिया मिलेगा और नेक के पास हमें 4 to 6 रेज की नेक कैनाल सेल्स मिलेंगे, वो किसके अंदर मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म ओनली में या फिर ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट में। तो आप याद रखना ये मिलते हैं हमें ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 129 है, यहाँ पे पूछा गया पाइनस डिफर फ्रॉम मैंगो इन हैविंग, पाइनस जो है वो मैंगो से अलग है, यानी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से कैसे अलग है, ट्री हैबिटेट में, ग्रीन लीव्स में, ओव्यूल नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी या फिर वुड। तो ओव्यूल नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी, पाइनस जो है वो नेक सीड बनाता है। टर्पेंटाइन इज गॉट फ्रॉम, टर्पेंटाइन किससे मिलता है, एंजियोस्पर्म वुड से, ब्रायोफाइट से, जिम्नोस्पर्म वुड से या फिर फर्न से। तो आपको बताया था टर्पेंटाइन जो वो पाइनस से हमें ऑब्टेंड होता है। अब पाइनस के अंदर किसके अंदर आता है आपका, जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है, तो यहाँ पर सिंपल है जिम्नोस्पर्म वुड से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेते हैं 131, पूछा गया है विच वन हैज द लार्जेस्ट गैमेटोफाइट, किसके अंदर लार्जेस्ट होगा, साइकस, एंजियोस्पर्म, सिलेजेनरा, मोस। तो आपको बताने की क्या जरूरत है, अभी आपको याद भी हो चुका होगा यहाँ पर मोस आएगा क्योंकि लार्जेस्ट गैमेटोफाइट पूछा है, गैमेट नहीं पूछा है, कंफ्यूज हो चुके होंगे आपके, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 132 नीट 2017, जाइगोटिक म्यूसिस इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, जाइगोट के अंदर कहाँ पे म्यूसिस हो सकती है, फ्यूगस में, फ्यूनेरिया में, क्लेबोडोमोनस में, मार्केंशिया में। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल यानी एल्गी के अंदर एल्गी है, लाइक क्लेमाइडोमोनास, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर वो है 133, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूगस रिस्पेक्टिवली, इस चैप्टर की बिल्कुल लास्ट लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है। अब आपको बताना कि एक्टोकार्पस में कौन सी लाइफ साइकिल होती है, फ्यूगस में कौन सी होती है, डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक या फिर हैप्लोन्टिक या फिर डिप्लोन्टिक। अब यहाँ पे एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला भी है, आपको याद रखना पड़ेगा एक्टोकार्पस में आपका हैप्लोडिप्लोन्टिक होता है, फ्यूकस में डिप्लोन्टिक होता है, रिस्पेक्टिवली पूछा तो एक्टोकार्पस का हैप्लोडिप्लोन्टिक और फ्यूकस का डिप्लोन्टिक, यहाँ पे इसका रिवर्स दिया गया डिप्लोन्टिक, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 134 है, यहाँ पे बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग, यहाँ पे हमें वापस बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट या रॉन्ग हो सकती है। द टू रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पे हमें दो रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है द स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ड इज मोर इलेबोरेट देन इन द मोसिस, सेल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बीरिंग प्लांट इज डिप्लोन्टिक और इन पाइनस मेल एंड फीमेल कॉन्स बोर्न ऑन द डिफरेंट ट्रीज।
सिंपल समझिए, द स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट इज मोर इलेबोरेट, ये तो हर बार इतनी बार गलत लिख चुके हैं, यहाँ पर द स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर, तो ये तो आपके इनकरेक्ट हो गए। सेलविनिया होट्रोस्पोरस बिल्कुल सही है, लाइफ साइकिल इन सोल सीड बियरिंग डिप्लोटिक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। पाइनस जो है वो आपको बताया था स्टार्टिंग में ही मोनोशियस होता है, और मोनोशियस के अंदर केवल एक ही प्लांट होगा, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होंगे, वो डायोशियस के अंदर होता है। तो यहाँ पर ये जो है वो भी आपकी गलत है, ए और डी जो वो इनकरेक्ट लिखी हुई, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है 135, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल, किसमें मिलेगा, पॉलीट्रैकम में, स्टिलागो में, वीट में, फ्यूनेरिया में। हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल पूछा गया, तो फ्यूनेरिया के अंदर आपको कौन सी मिलेगी, हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल मिलेगी। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।